बापरे माता की इवेंट में जो बाप जो क्रिश्चियन के द्वारा बीज डालते हैं माता के, और बच्चे भी उसी इंद्रिया द्वारा मां क्रिश्चियन द्वारा निकलते हैं ना, बच्चे भी बच्चा या बच्चे निकलती है उसी इंद्रिया द्वारा। लेकिन पुरुषोत्तम संघ भी कहा यानी छुट्टी में सबसे श्रेष्ठ श्रेष्ठ रचना अन्नमयी जी लक्ष्मी नारायण जो ब्रह्मा सरस्वती को वैदेश द्वारा जन्म देती है, तब बच्चे आप बच्ची कौन सी इंद्रिया से बाहर निकलते हैं। बताया ना मुखवंशावली और कुख वंशावली। कुख कहा जाता है गोद को, गोद में जो इंद्रियां होती हैं वो विकारी इंद्रियां हैं, और मुख तो श्रेष्ठ इंद्रिय है। श्रेष्ठ इंद्रिय से ज्ञान निकलता है, और से ज्ञान से जिन बच्चों की पैदाइश होती है, जो अपन को आत्मा समझते हैं, दूसरों को आत्मा समझने की प्रैक्टिस करते कराते हैं, वो ब्राह्मण कहे जाते हैं। उठाओ उठाओ डंडा उठाओ। हाँ नहीं समझ में आया? हाँ जी, वो शिष्टाचार और वो भ्रष्टाचार। या पूरे ब्राह्मण ऊंचे हैं? संपूर्ण ब्राह्मण और अपूर्ण ब्राह्मण। जो अपूर्ण ब्राह्मण है उसकी ऐसे ही पूजा नहीं होती जैसे ब्रह्मा की पूजा नहीं होती। ब्रह्मा बाप है, बाप की ही पूजा नहीं होती। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा अधूरा है तो ब्राह्मण भी अधूरे हैं। ब्रह्मा से शूद्र ब्राह्मण बनते हैं, देवता नहीं बनते। जो ब्राह्मण संपूर्ण बनते हैं उनको देवता कहा जाता है। इसलिए ब्राह्मणों को अलंकार नहीं दिए जाते। शंख चक्र गदा पद्म ये ब्राह्मणों के अलंकार हैं चलाने के। ब्राह्मण इन्हें धारण करते हैं, यूज करते हैं, परंतु चित्रों में ये अलंकार उनको नहीं दिए जा सकते, क्योंकि ब्राह्मण अपूर्ण है, कभी भी नीचे ऊपर हो सकते हैं। और रावण की दस शिष्य की उम्र गदा दिखा देना पड़ता है, सारे की बात है देखा जुना। अब जो ब्रह्मा जो पांच विकार है ना बाप, उसमें जो मोह विकार अब स्पष्ट हो रहा है, वो वहां जाकर दुर्गा शरीर में प्रवेश करके वाणी सुना रहा है। बाकी जो चार विकार है बाप, काम विकार क्रोध लोभ और अहंकार, वो विकार ऐसा दिखा रहा है कृष्ण। काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार, इन पांच विकारों में निष्कष्ट है अहंकार। अहंकारी को कोई प्राप्ति नहीं होती, उसको तो अलग निकाल दो क्योंकि प्राप्ति ही नहीं है। बाकी चार विकार जो रहे उनमें अंतिम है मोह विकार। अंतिम होने पर भी कुछ न कुछ प्राप्ति स्वरूप है, इसलिए आर्य समाजियों में मोह का विकार जास्ती होने के बावजूद भी
कुछ न कुछ राजा ही मिल जाती है 2-5 वर्ष की, और वो राजा ही चलती है। वो निष्कष्ट राजा ही है, और ये निष्कष्ट राजा ही आर्य समाजियों को प्राप्त होती है। कि थोड़ी प्राप्ति क्यों करते हैं? क्योंकि वो देवता को नहीं मानते हैं, लेकिन मेरा क्या तो मानते हैं। थोड़ी प्राप्ति इसलिए करते हैं कि ये मान मर्तबा पहले ही भोग लिया ब्राह्मण परिवार के अंदर। ब्रह्मा को इतना ज्ञानी नहीं समझते लोग, जितना ज्ञानी जगदीश भाई को समझते थे। तो जो मान मर्तबा भोग लिया वो फिर प्राप्ति वहां कम हो जाती है। और बात यही बात कैसा दिखा रहा है, क्योंकि वो सभीकरण का बात है ना, अहंकार है। अहंकार की बात यहाँ है, क्योंकि उसको ब्रह्मा अपने अपने को गीता की भगवान समझता है, वही अहंकार की बात है ब्रह्मा। क्रिश्चियंस में काम विकार उतना देखने में नहीं आता है, इस्लामियों में देखने में आता है। लेकिन ऐसे नहीं है कि उनमें काम विकार है नहीं। बाबा ने बोला है जिसमें क्रोध है या क्रोध का अंश है उसमें काम विकार जरूर होगा, तो वो भी गुप्त हो गया। और जितना गुप्त होता है उतना ज्यादा खतरनाक होता है, ज्यादा मार मारने वाला होता है। काम विकार को अहंकार नहीं कहेंगे, ऐसा नहीं। तो अभी जो ब्रह्मा ने अपने को नारायण गीता के भगवान समझते हैं अभी तक, वो अहंकार की बात नहीं। वो तो इसलिए समझते हैं कि 63 जन्म जब से लेना शुरू किए तब से भक्ति मार्ग से लेकर के आदि से ही और अभी अंत तक समाज में ये मान्यता चली आई कि गीता का भगवान कृष्ण है, और वो सुनते चले आए। तो इतने जन्मों की जो रग भरी हुई है कृष्ण की आत्मा में, वो रग कैसे निकल जाएगी? ये अहंग भाव भरा हुआ है कि कृष्ण ही गीता का भगवान है, मैं ही गीता का भगवान हूँ, भगवान हूँ। तो नई दुनिया की स्थापना करके दिखाना चाहिए, इसमें शरीर छोड़ना, बाद में शरीर छोड़ना चाहिए। लेकिन हुआ तो उल्टा, ये बात बुद्धि में नहीं बैठती है बालिक बुद्धि होने की वजह से। शास्त्रों में 100 बातों में संयम कृष्णा की, शास्त्रों में है 100 बातों संयम कृष्णा की, बताया ना बाबा? एक बार बताता, शास्त्रों में जिस कृष्ण की बात है तो संयम भी कृष्ण की बातें हैं। तो ठीक है, तो बात है ठीक है। फिर एक दफा बताया वो ब्रह्म बाबा ना सुनने का एक सुना है, प्राण निकल गए हैं, है? ना सुनने का खबर सुना है, इसमें प्राण निकल गए हैं। किसके प्राण निकल गए? प्राण निकल गए, प्राण निकल गए। किसके प्राण निकल गए? ब्रह्म बाबा के, वो कृष्णा के, कृष्णा है ना वो? वो कृष्ण है कहाँ? वो क्लासरूम में
कृष्ण तो सतयुग में होगा। वो तीर मारा, उसके ब्रांड निकल गए, इधर ब्रह्म बाबा के ब्रांड भी निकल गए, वो तीर का जैसा मास्क भी निकल गया। तीर जैसी बात जो मारी है और उनके प्राण निकल गए, तो वो वास्तव में बात तो है, लेकिन जिस कृष्ण के प्राण निकल जाएं तीर मारने से ही, वो भगवान कैसे साबित हो जाएगा? भगवान साबित हो सकता है? नहीं हो सकता। ये पॉइंट अपने आप ही कट जाता है। शास्त्रों की हर बात जो है वो 100% सच्ची नहीं है, उतनी ही बातें सच्ची हैं जितनी बाबा ने मुख से बोली है, क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा शास्त्रों का सार सुनाता हूँ। शास्त्रों में तो विस्तार भूसा भरा हुआ है, सार भगवान सुनाते हैं, सारी बातें नहीं उठाई जा सकती शास्त्रों की। और है आगे चल करके बाप को तुम बच्चे टीवी में देखेंगे, देखेंगे कि बाप मुरली चला रहे हैं। तो बात ठीक है। हाँ, अभी शेर निकाल में एक बात बोल रहा है बाबा, पति का पावन है सीताराम, लौकिक में पति का पावन है सीताराम, उसके हाथ में बताया वो कैसेट में, कैसेट में बाबा वो आपने बताया पति का पावन है सीताराम। अभी शिवशंकर भोलेनाथ बताते हैं, शिवशंकर भोलेनाथ, शिव के नाम पहले, बड़े का नाम, छोटे का नाम, शंकर का नाम बाद में, ऐसा ही शिव शंकर जहाँ बताया जाता है वहाँ तो भगवान प्रैक्टिकल में है वो, लेकिन सीताराम कोई भगवान नहीं है, इसलिए जो भगवान का पार्ट नहीं है मनुष्यों का पार्ट है, उन मनुष्यों को शिव की शक्तियों को पहले रखना पड़े। सीता राम की शक्ति नहीं है, संगम युग में किसकी शक्ति है, किसकी शक्ति है? अरे बोलते क्यों नहीं? सीता किसकी शक्ति है? लक्ष्मी किसकी शक्ति है? अरे वो शंकर पार्वती कहा जाता है, पार्वती शंकर नहीं कहा जाता, वो भगवान भगवती हैं प्रैक्टिकल में, लेकिन जहां सीता पहले नाम, राम बाद में नाम, लक्ष्मी पहले नाम, नारायण बाद में नाम, राधा पहले नाम, कृष्ण बाद में नाम, ये मनुष्यों के नाम हैं, जो मनुष्य से देवता बनते हैं, और वो तब ही देवता बन सकते हैं जब शक्ति स्वरूपिणी माता को आगे रखें, उसको मान्यता दें, नहीं तो देवता बन सकते हैं? माता गुरु के बिना तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकते। माता के रूप को गुरु बनाना पड़े। सीताराम का नाम ऐसा बनाया कि वही हिसाब से छोटी मम्मी का आह्वान करो, बाबा पतित है तो पावन सीता आने से पतित बन जाए, पावन बन जाएगा, बताते ना, लक्ष्मी को आह्वान करो, लक्ष्मी को आह्वान करो, छोटी मम्मी को आने से बाबा पावन बन जाएगा।
बाबा पावन बन जाएगा वो तो ठीक है, क्योंकि जिसको तुम बाबा कहते हो वो साकार और निराकार का मेल है, सिर्फ साकार नहीं है, और जो साकार है वो निराकारी निर्विकारी निरहंकारी नहीं हो सकता। वो तभी होगा जबकि शक्ति को आगे रखा जाएगा। और लेकिन तुरंत वो इतना समय इतना ज्ञान ना होने के कारण वो देव बना पा, माना ब्राह्मण से देवता नहीं बना, फेल हुआ, क्षत्रिय बना। ऐसा ही रहता है तुमने जो राम वाली बत्ती है बाप रहता, ऐसा ही रहता ही हुई जो राम वाली बनते हैं मर्यादा गाय है वो लक्ष्मी बनते हैं ना बाप, लक्ष्मी वाला आत्मा बनते हैं रहता ही कहते तब वो पहले ब्राह्मण वो पहले देवता पहले क्षत्रिय क्षत्रिय तो नहीं बनते हैं ना रहता नहीं, क्योंकि लक्ष्मी वाली आत्मा ही राम बनती है। राम और सीता दोनों ही क्षत्रिय बनते हैं, अकेले कैसे क्षत्रिय बनेंगे? क्षत्रिय माने फेलियर। और सतयुग में कोई देवता देवी देवता ऐसा नहीं है जो त्रेता में आके फेलियर न बनता हो। जो पहले फेल हुए वो पहले क्षत्रिय, जो बाद में फेल हुए वो बाद में क्षत्रिय। शूटिंग में भी जो पहला तो ब्राह्मण बनाए ब्राह्मण द्वारा जो साक्षात्कार और उसके बाद ब्राह्मण के बाद देवता बना है ना, तो क्रम में ऐसे क्रम में ब्राह्मण देवता क्षत्रिय और तो ब्राह्मण से देवता बना ना। संक्षेत्र में जब बाप प्रवेश करता है तो नाम क्या पड़ता है? शंकर देवता। शंकर देवता नाम पड़ा ना। लेकिन बाप उसके पहले तो वो फेल हुआ ना बाप, जो क्षत्रिय बनना है क्षत्र से पहले फेलियर है। तो क्रम वो गलत हो गया बाप, ब्राह्मण नहीं 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 नहीं, नहीं। क्रम गलत नहीं हुआ, यज्ञ के आदि में ही पहले ब्राह्मण है और वो ब्राह्मणत्व का कर्म संक्षेत्र से लेकर के और वो संक्षत्र से लेकर के क्षेत्र तक जो चार युगों की आवृत्ति होती है, सतो प्रधान सतो सामान्य रजो और तमो, वो चार अवस्थाओं की आवृत्ति हो गई क्षेत्र तक, इसलिए ऐसा माना जाता है। और कन्या और माता उनको तो बाप को याद करना चाहिए, क्योंकि वो चित्र में विचित्र देखकर साकार को निराकार साकार में निराकार को देखकर याद करती है, इसलिए वो चरित्रवान बनती है। तो बारे में चित्र को देखकर तब चरित्रवान बने, मतलब सिर्फ माता ही बन सकती है, अच्छा पुरुष लोग नहीं बन सकते। क्यों बन सकते हैं? क्यों नहीं बन सकते? मित्र को मित्र याद नहीं आता है, बच्चे को बाप याद नहीं आता है, छोटे भाई को बड़ा भाई याद नहीं आता है। खास उसके तरफ जो ऐसा बोला है माता इनका, और ऐसी कोई जरूरी बात नहीं है। संसार में ऐसे भी देखा जाता है कि कोई पत्नी को इतना प्यार नहीं करता जितना दोस्त को प्यार करता है, पत्नी के साथ उतना नहीं निभाता जितना दोस्त के साथ निभाता है, बाप के साथ निभाता है, माँ के साथ नहीं निभाता। परशुराम को देखो, सब तरह की मिसाल है संसार में। आठ के अलावा और सभी सजा खाली पड़ते हैं,
नंबर वार नंबर वार मन चाहे वैष्णवी विजयमाला से आने वाला भी वो भी जरूर शिक्षा करना पड़ जाएगा। तब लक्ष्मी को कौन सी सजाएंगे जवाहर नारायण की सप्तंगी होती लक्ष्मी जो है उसको अव्वल नंबर में शूद्र से ब्राह्मण बनने का वो लकब मिला हुआ है। लकब माने उपाधि। क्योंकि लक्ष्मी और नारायण जो अव्वल नंबर हैं उनसे ही राधा कृष्ण का जन्म होता है। यज्ञ के आदि में जो फर्स्ट ब्राह्मण और सेकंड ब्राह्मण है वो कौन है? लक्ष्मी और नारायण। और उन लक्ष्मी नारायण से ही जन्म होता है प्रभावित होकर के कृष्ण और राधा का। इसीलिए लक्ष्मी चंद्रवंश से है ना, चंद्रमा को फॉलो क्यों किया? बच्चे को फॉलो क्यों किया? माँ को बाप को फॉलो करना चाहिए या बच्चे को फॉलो करना चाहिए? बाप को फॉलो कर। लेकिन फॉलो किसको किया? बच्चे को फॉलो किया तो चंद्रवंशी हो गई राधा, चंद्रवंशी तो पदनीचा हो गया। वो ही सजा है बाप। ये सजा नहीं हुई? आज तक भी बात समझ में नहीं आ रही है हमें किधर पार्ट बजाना चाहिए। सजा तो ये कि कम सजा हो गई कि त्रिमूर्ति में तीन शेर नहीं है, क्या है? एक शेर है, एक घोड़ा है, एक बकरी है। ये सजा नहीं हो गई? जिसने कान पकड़ लिया बस उसी के हो गए। ये तो बात ठीक नहीं। और बाप तो ज्ञानी तो आत्मा विशेष दे रखी है। लक्ष्मी ज्ञानी तो आत्मा नहीं है ना? बाप बनते हैं बाप बनते हैं जब नारायण के साथ आते हैं। हाँ, जब नारायण के साथ आती है तो सूर्यवंशी बनती है। बाकी रुद्रमाला में नहीं है, ज्ञानी तू आत्मा में नहीं है। ज्ञान लिया हुआ है, हाँ, वो स्वयं धारण नहीं किया है। एक है भगवान की देन, जो भगवान की देन हमने स्वयं धारण कर ली, और एक उसका निग्लेक्ट करता है। तो निग्लेक्ट करने वाले भगवान को कैसे प्रिय हो जाएंगे? दिलवाला को ज्ञानी तो आत्मा के पास विशेष प्रिय है, और दिलवाला जो है दिलवाला को जो पसंद करती है, जो ब्रह्मा जी से है, जो दिलवाला है। एक है विशेष प्रिय और एक है प्यारे, सिर्फ प्यारे। एक है विशेष प्यारे तो ज्यादा महत्व किसका हो गया? रुद्रमाला का ज्यादा महत्व हो गया ना, क्योंकि वो ज्ञानी तू आत्मा है, समझने वाली है। जो समझेगा ही नहीं, भले कितना भी दिल है, बेकार हो गया। और बाबा भक्ति मार्ग में शिव के ऊपर हनुमान चित्र दिखाते हैं, इसका अर्थ क्या है? भक्ति मार्ग में शिव का ऊपर हनुमान के चित्र दिखाते हैं, इसका अर्थ क्या है बाबा? उनके ऊपर हनुमान चित्र ऐसे देखा है? किसी ने देखा? ये तो आपने देखा होगा, ये तो किसी ने देखा ही नहीं। हनुमान भगवान हो गया,
कि शिव भगवान हो गया। आप तो भगवान के ऊपर हनुमान को चढ़ा दिया, ऐसे दिखाते हैं। कहाँ है चित्रराव, ऐसे झूठ बोल दिया भरी सभा में, भगवान को नीचा दिखाने के लिए है। भगवान को नीचा दिखाने के लिए बोला क्या? अरे आपने ऐसा किस लिए बोला, बोलो। पता नहीं बोलती तो जा रही हूं। और जो जिसको आपने उसमें इतना प्यूरिटी की पावर होती है, यानी याद की एज होती है उतनी, ना लक्ष्मी में होती है, ना गंगा में होती है, ना जगदम्बा में होती है। नहीं तो इतनी प्यूरिटी वाली माना लक्ष्मी से ही, जगदम्बा से ही, गंगा से ही कुछ आत्मा है, वो रहते हुए अभी लक्ष्मी आने की सम्पन्नता की, लक्ष्मी आने के बाद ही संपन्न होता है ना बाप, ऐसा बोला है ना हाँ? ऐसा क्यों इतनी ज्यादा उनसे भी ऊंची आत्मा होते हुए भी उसका आने की दरकार क्या है, संपन्न प्रैक्टिकल चल रहा है। अभी तो बताया मुरली में ऊंच पद पाने के लिए क्या चाहिए, क्या क्वालिटी विशेष? नहीं, ऊंच पद पाने के लिए विशेष क्वालिटी बताई सेवा। रुद्रमाला में दूसरा नंबर तो है, दूसरे नंबर का मणका तो है। चंद्रवंश वो सूर्यवंशियों में अष्ट देवों में दूसरा नंबर तो है, लेकिन सेवा का भी तो फील्ड चाहिए। तो सेवा का तो फील्ड ना के बराबर है। जब समर्पित हो जाए, बाप की बन जाए, तो बाप के बनने की ताकत के ऊपर ईश्वरीय सेवा का लकब मिलता रहे वो बात अलग, लेकिन अपने अंदर से वो पावर तो नहीं आई, न बेसिक में आई और न एडवांस में आई। एडवांस में तब आई जब बाप पूरा सहयोगी बन गया। और लक्ष्मी चाहे बेसिक में है तो भी सेवाधारी, और एडवांस में है तो भी सेवाधारी। सेवा उसका जीवन है, इसलिए सेवा के आधार पर ही प्राप्ति होती है। मुरली में पॉइंट आए तो हाँ जी। और पढ़ाई पढ़ाई माने नॉलेज है, नॉलेज ही सोर्स ऑफ ईश्वरीय ज्ञान ऐसे बोलते हैं बाबा। लेकिन यहाँ से ही पवित्र बनते हैं ऐसा बोलते हैं बाबा, ठीक है। लेकिन पढ़ाई में चार सब्जेक्ट है ना बाप, माने ज्ञान है, याद है, और पढ़ाई कारण है, सेवा है, और स्पेशली ऐसा करने की क्योंकि वो अंतर्लीन है ना पढ़ाई में, याद की सब्जेक्ट भी अंतर्लीन है, तब खास उसके बारे में स्पेशल कहने की क्या क्या है, क्या है स्पेशल माना? पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम ऐसा, पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है वो तो है, बोला है बाप। हाँ पढ़ाई में चार सब्जेक्ट है ना बाप, पढ़ाई में ज्ञान है, ज्ञान भी है, याद भी तो है। जो ज्ञान है वो ही सोर्स ऑफ इनकम है। हाँ। अगर ज्ञान नहीं है तो याद भी नहीं हो सकती। मतलब ये अगर ज्ञान को हटा दिया जाए, अज्ञानी बन जाए, तो किसको याद करेगा? ब्रह्मा बाबा ने किसको याद किया है? फिर बिंदु को याद किया तो विधर्मी बना या स्वधर्मी बना? विधर्मी बन गया, विधर्मियों को सहयोग दे दिया। शास्त्रों में भी दिखाते हैं ब्रह्मा ने किसको वरदान दिए? असुरों को वरदान दिए। तो संसार का कल्याण होता है, कल्याण होता है।
में बाप जब वो पढ़ाई में चार सब्जेक्ट जब आती है याद और धारणा सेवा और याद नहीं, पढ़ाई में चार सब्जेक्ट जो बताए जाते हैं उनमें पहला नंबर ज्ञान, जब बोला जाता है ज्ञान योग धारणा सेवा, ऐसे नहीं बोलते योग ज्ञान धारणा सेवा या सेवा योग ज्ञान, ऐसे नहीं बोलते, क्या बोलेंगे? पहली प्रायोरिटी चाहिए ज्ञान। तो जब पढ़ाई की बात आती है सिर्फ ज्ञान ही अब लेना है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिना ज्ञान के गति नहीं, रिते ज्ञानान्न गति, ज्ञान से ही सदगति होती है, ज्ञान से ही मुक्ति होती है, ज्ञान मुख्य चीज है। हाँ जी सदा बोलती है बच्चों में इतना भी आवाज हो लेकिन एक विशेष लेखक बाप को पहुंच दिया है वो है तो बाप की पहचान, भले कितना आवागमन भी हो लेकिन बाप की पहचान ये विशेष रूप देखते हैं। ये सबसे बड़ी विशेषता बताई बच्चों की, जो विशेषता तुम बच्चों में है वो विशेषता इन ब्रह्मा में और ब्रह्मा के फॉलोअर्स में नहीं है, इनमें भी नहीं है और उन दुनिया वालों में भी नहीं है, उनमें भी नहीं है इनमें भी नहीं है, लेकिन वो विशेषता तुम्हारे में। क्या विशेषता? बड़ी सी बड़ी विशेषता, क्योंकि बाप के सारा बाप में भी सारा बाप की पहचान, दुनिया वालों को बाप की पहचान नहीं है, बेसिक वालों को बाप की पहचान नहीं है, बेसिक वालों के बाप ब्रह्मा को बाप की पहचान नहीं है, लेकिन तुमको बाप की पहचान है, ये तुम्हारा स्पेशल गुण है, स्पेशलिटी है। अगर इस बात में संशय आता है तो स्पेशलिटी गायब, शायद दूसरा बाप हो, संशय आया और प्राप्ति खलास। और मतलब है ना, तो हमने स्वप्न में भी संशय इतने बाप का हम पहचान सकते हैं, बेहद बाप कौन सी पुण्य कर्म की ये फल है, हमको ये महत्व भाग मिला है, वो भी 63 जन्मों का हिसाब किताब है, 63 जन्म जो जितना नजदीक रहा होगा बाप के नजदीक रहा होगा, बाप का सहयोगी रहा होगा, वो उतना ही बाप को इस समय संगम युग में जल्दी पहचानेगा। संशय घड़ी घड़ी पैदा नहीं होंगे, दूसरों को बाप नहीं बनाता फिरेगा, एक बाप दूसरा न कोई। और सच तो ये बाप उसका रास्ता भी है, लेकिन जब दुनिया वाला कहती है एक स्टेशन होती है, रेलवे स्टेशन होती है और सभी को पर पहुंचने की लक्ष्य होती है, कोई इसी रास्ता में आता है कोई उसी रास्ता में, ऐसा बोलते हैं। ऐसा ही भगवान एक है, सच्चे है, लेकिन उसको पहचानने पहुंचने के लिए अनेक रास्ता ऐसा बोलते हैं, उसको फट समाधान देने के लिए क्या बोलते? बाप की पहचान बाप के सिवाय कोई दे ही नहीं सकता, तो अनेक रास्ता हुआ या सिर्फ एक ही रास्ता हुआ? जान तो तुम्हें हुई जाए। और बोलो स्वर्ग में, स्वर्ग में, स्वर्ग में गद्दी होती है, लक्ष्मी नारायण का चित्र देखा, खड़े हैं कि गद्दी पर बैठे हैं?
कौन से स्वर्ग में जा रहे हो तुम? वहां गद्दी पद्दी की दरकार ही नहीं है, वहां यथा राजा तथा प्रजा सब गद्दी नसीन है। बेताज बादशाह सत्युग में नहीं होता ऐसा कुछ, सत्युग में ऐसा कुछ गद्दी पद्दी नहीं होती है। चाहे झाड़ का चित्र देख लो, चाहे सीढ़ी का चित्र देख लो, चाहे लक्ष्मी नारायण का चित्र देख लो, राम सीता को तो फिर भी दिखावेंगे। गद्दी भी है, छत्र छाया भी है, लेकिन लक्ष्मी नारायण को कोई गद्दी नहीं दिखाई जाती। और जगत माता के साथ में जगत पिता रहेगा नहीं रहेगा? जगत माता के साथ में जगत पिता रहेगा? जगत माता के साथ जगत पिता रहेगा या नहीं रहेगा? जगत माता वो आप माता है, ऐसी है रूप में नारायण के भी रूप में है। माता के साथ पिता रहेगा नहीं रहेगा? जो जगत माता है वो कौन है? वो जगत माता कौन है? अरे जिस जगत माता की आप बात कर रहे हैं वो है कौन? पाटधारी कौन है? ऐसे जिरेबाजी करना है, हम जानते कुछ नहीं। जगत माता कौन है? किसको समझे बैठे आप जगत माता? जगत माता है क्या? क्या नहीं बनेगी? कौन है? अरे अरे ईंट है, पत्थर है, गाय है, भैंस है, कौन है? है? हाँ बड़ी मम्मी। जगत माता है तो वो जगत माता क्यों कही गई? क्योंकि जो जगत पिता है वो भी उससे जन्म लेता है यज्ञ के आदि में सन 36 में। प्रजापिता पहला ब्राह्मण बना तो कैसे बना? जगत माता का बच्चा बना तो प्रजापिता बना। तो जो विश्व पिता की भी अम्मा हो गई वो जगत की अम्मा हो गई। शिव जब ऊपर से आता है तो वो आत्माओं का बाप है या नहीं है? शिव ऊपर से आता है परमधाम से तो उस समय वो आत्माओं का बाप है या नहीं है? अरे हाँ या ना बताओ तो है। तो जो आत्माओं का बाप इस सृष्टि पर जब आता है तो उसको 5 तत्वों का शरीर अर्थात माता चाहिए या नहीं चाहिए? तो बस वो पिता है, वो माता है, वो प्रकृति है माता। मैं प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाम्य, मैं प्रकृति का आधार लेकर के आता हूँ। वो प्रकृति ही जगत माता है, उसका नाम है प्रकृति, जगत की माता। पहले बनती है विश्व पिता की माता। और ज्ञान की अति वाला माना वो आवश्यक होना पड़ा। क्या ज्ञान की अति माना मतलब जैसे जल है, कहते हैं जल जीवन है, है या नहीं? जल जीवन है, जल नहीं है तो जीवन नहीं है। नदियों में जल बहता है, नदियों का जल जीवन है, लेकिन वही नदियां जब अति पर आ जाती हैं, बाढ़ आ जाती है, उनमें बाढ़ में जल में मिट्टी मिल जाती है। यहाँ है देह अभिमानी की मिट्टी, जब देह अभिमानी की मिट्टी ज्ञान जल में मिल जाती है
तो वो ही नदियां बोड़म बोड़ कर देती है, सबको डुबो देती है। ये अति हो गई, ये अति फिर अभी भी होने वाली है, ज्ञान में भी अति हो जाएगी। हर एक जो आया, जानवर बुद्धि है वो भी ज्ञान सुनाएगा। अब जानवर में तो देहभान ज्यादा होगा या ज्ञान ज्यादा होगा? वो देहभान मिक्स करके ज्ञान सुनाएगा, तो जो सुनेंगे वो डूब मरेंगे या जिंदा रहेंगे? डूब मरेंगे, डूब मरेंगे। बात हो कि संक्रमण दूसरी आत्मा से होती है ना, जगदम्बा से होती है, तब माना जब देवता ये बाल मार्ग में चलाते हैं तब स्वर्ग नष्ट होती है, ध्वस्त होती है, ऐसे ही ना। तो माना स्वर्ग की रचना मेरा है तो नरक की रचना मेरा आईने क्या ऐसा बोला है बाप ने? स्वर्ग की स्वर्ग मेरा है तो नरक मेरा नहीं है क्या? स्वर्ग की नई दुनिया मेरी है तो पुरानी दुनिया मेरी नहीं है क्या? अर्थात नई दुनिया भी मेरी है और पुरानी दुनिया भी मेरी है। वो ही नरक है, नरक से बनती है ना? हाँ, उसके नरक की शुरू भी वो भी करती है। नरक कौन है? पहला पहला नरक होती है जो पहला ब्राह्मण, सो पहला देवता, जो पहला देवता सो पहला क्षत्रिय, जो पहला क्षत्रिय सो पहला नर। नरक शुरू होती है बात, उसके बाद ही हमारा प्रेम की सोल है ना बात। तो नरक होने के बाद प्रेम शरीर तुरंत प्रवेश करती है बाप, तुरंत प्रवेश करती है बाप, क्योंकि व्यभिचार की, व्यभिचार की शुरुआत करने वाला है ब्राह्मण। मतलब वो तुरंत होता है ना? हाँ जी। तो उसको सामने करते हैं राम वाली आत्मा। ये भी हुआ ना, वो हुआ नहीं ना, उधर नरक का दुनिया कोई बनाता है वही स्वर्ग का दुनिया बनाता है, एक ही हो गया, एक ही गांव हो गया। स्वर्ग की दुनिया बनाने वाला है सदैव स्वयं स्थिति में रहने वाला, तो तुम्हारी बुद्धि में से भूल जाता है। सदैव स्वयं स्थिति में रहने वाला कौन है? वही है, वही है, वो द्वापर युग में होता है, वो द्वापर युग में होता है। सदा स्वयं स्थिति में रहने वाला द्वापर में होता है। कौन से गुरुओं को पकड़ा हुआ है तुमने? हमको नहीं पकड़ पाया। हाँ, दिव्य दृष्टि की चाबी की बात बोलते हैं, इसके बारे में क्या बोला? दिव्य दृष्टि की चाबी की बात आने लगा, क्या समझता क्या है? दिव्य दृष्टि जो है वो जो सदैव स्वयं स्थिति में रहने वाला है उसी के हाथ में है। हाँ, और वो चाबी किसी को नहीं देता, अगर किसी को भी देगा तो मिसयूज करेगा। वो एक ही ऐसा है जो उस चाबी का मिसयूज नहीं करता। बाकी जो भी मनुष्य मात्र हैं, अगर वो अथॉरिटी उनको दे दी जाए तो जरूर मिस यूज करेंगे। किसमें प्रवेश करते हैं उसको भी नहीं देते? नहीं। शिवंशी ब्रह्म कुमारी कुमारी शिवंशी ब्रह्म कुमारी कुमारी को बोलते हैं ना, शिवंशी ना शिव है निराकार, उसका वंश होना भी मतलब वंश होना तभी होगा कि जब साकार मुकर्रर रथ में प्रवेश करे और वो मुकर्रर रथ भी निराकारी स्टेज वाला बन जाए।
तब शिववंशी कहे जाए। हाँ जी, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी ऐसों की जमात खड़ी हो जाए। और मंदिर बनते हैं, मूर्तियां बनती हैं और पूजा भी दक्षिण भारत में होती है। उत्तर भारत में इतना नहीं, उनके मंदिर भी नहीं है, मूर्तियां भी नहीं है, पूजा भी नहीं है। पूजा होती है तो नवग्रहों की पूजा होती है। इसका मतलब ये हुआ कि सूर्यवंशी जो बनने वाले अष्टदेव हैं, वो अष्टदेव इस समय संगम युग में जो नौ धर्मों के मुखिया हैं, उनमें प्रवेश करके पाठ बजाते हैं, उनकी बुद्धि को पलटते हैं। और जो अलग अलग धर्मों के मुखिया हैं, बारह बारह में से एक, वो नारायण वाली आत्माओं में प्रवेश करते हैं, उनकी बुद्धि को पलटते हैं। और नारायण वाली आत्माओं में ऊपर से आने वाले धर्म पिताओं ने प्रवेश किया था, अब उल्टा करेंगे। वो नारायण जो हैं, वो उन धर्म पिताओं में प्रवेश करके उनकी बुद्धि को पलटेंगे। अंत में उसको भी बाप की पहचान देंगे। इसलिए वो एक घर ग्रस्त बन जाता है। अष्टदेव हो गए सूक्ष्म बीज, और धर्मों के जो बीज हैं मुख्य, वो हो गए स्थूल बीज। सूक्ष्म बीज माने आत्मा और स्थूल बीज माने वो शरीर। वो हो गया एक बाप, एक बाप अपने अपने धर्म का, प्रजापिता। और जो प्रजापिता है या अपने अपने धर्म का जो प्रजापिता है, उसकी नारायण हो गई माँ। अब वो धर्म पिता हो गया बच्चा। जैसे क्रिश्चियन लोग कहते हैं क्राइस्ट गॉडफादर का बच्चा है, तो वो बच्चा है और बाकी सब भतीजे हैं क्या? ऐसे तो नहीं हो सकता, लेकिन मान्यता यहां से शुरू होती है। और तो उत्तर भारत में ग्रह की पूजा होती है, पूरा परिवार, माँ भी बच्चे भी बाप भी, वो पूरा परिवार हो गया। और दक्षिण भारत में अष्टदेवों को ही पकड़ते हैं, आत्मिक स्थिति में रहने वालों को पकड़ते हैं। वो आत्मिक स्थिति में रहने वाले अष्टदेव उस समय के अंदर प्रत्यक्ष होते हैं जब भगवान बाप दक्षिण भारत वालों की सेवा करते हैं, उत्तर भारत वाले नहीं पहचान पाते बाप को। इसलिए दक्षिण भारत वाले अष्टदेवों को भी पहचानते हैं, मानते हैं, मूर्तियां बनाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी स्पेशलिटी को जानते हैं। उत्तर भारत में ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी नवग्रहों में भी मना जो राहु केतु है उसका कोई मान्यता नहीं है? मान्यता तो है, मानते तो हैं कि राहु है, लेकिन पूजा नहीं होती है। राहु की जैसे सबसे बहुत नुकसान की बुरी। हाँ जी, चलो।